IBPS PO Mains Exam Section Wise Syllabus 2024. Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Susmita and today we are going to talk about IBPS PO Mains Exam Section Wise Syllabus 2024. So at first, let's talk about IBPS PO mains exam pattern, like in which section how much question is asked and like how many questions are asked and what are the marks that is allocated to the particular questions. So first one is reasoning and computer aptitude. Basically in computer aptitude, there will be only 5 to 6 questions. लाइक उसमें सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग की ही होती है. तो इसमें क्वेश्चंस आपके होते हैं 45 जिनका जो मार्क्स कैरी करते हैं 60 और टाइम आपको एलोकेट किया जाता है उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 60 मिनट्स. नेक्स्ट वन इज जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस. द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 40, द मैक्सिमम मार्क्स विल बी 40 एंड टाइम विल बी एलोकेटेड टू 35 मिनट्स. इंग्लिश लैंग्वेज इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के और 40 मिनट्स. सो ये जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, लाइक प्री में हमने देखा था कि प्री के जो पेपर होते हैं जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने ही मार्क्स उसमें एलोकेट किए जाते हैं. लाइक हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है. पर जब मेंस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2 मार्क्स कैरी करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसी वजह से ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं. फिर डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, लाइक इसमें मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होता है उसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं, उसमें 45 मिनट आपको दिया जाता है. इसमें सेक्शन वाइज इसे डिवाइड किया जाता है. जैसे अगर हम रीजनिंग की या फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो सेक्शन वाइज इसे डिवाइड किया जाता है. लाइक सेक्शन ए में, ग्रुप ए में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, और अगर हम वही सेक्शन बी या ग्रुप बी में जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मार्क्स क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स कैरी करते हैं. अगर टोटल की हम बात करें तो IBPS PO मेंस के एग्ज़ाम में टोटल जो होते हैं 155 मार्क्स होते हैं, जो कि 155 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं और पूरी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 आवर्स की होती है. बट अगर हम कलर की बात करें, लाइक IBPS कलर के, SBI कलर, इन सब की बात करें और इसकी बात करें, तो एक डिफरेंस होता है इसमें कि इसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जो कि एडिशनल इसमें 25 मार्क्स ऐड करता है. जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो उसमें 2 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, एक होता है लेटर राइटिंग और दूसरा एसे. 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन आपके पास रहते हैं. जैसे अगर हम लेटर राइटिंग वाले सेक्शन में जाएं तो उसमें आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, 3 से 4 ऑप्शंस रहते हैं जिसमें एक पे आपको लिखना होगा. कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. और अगर हम एसे में जाएं तो एसे में ऐसे ही 3 to 4 उसमें ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको एक पिक करना है और उस पर लिखना है. इसमें लिमिटेशन भी रहती है 150 to 250 वर्ड्स की, लाइक डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे. ऐसे लिमिटेशन उसमें लगे रहते हैं कि आपको इतने ही लिखने हैं और आपको ओवरऑल टाइम मिलता है सिर्फ 30 मिनट्स का और ये 25 मार्क्स होता है सिर्फ इन 2 टॉपिक का. तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से कैरी होते हैं और अगर आपकी जनरल अवेयरनेस सही है तो यहाँ से कैरी होते हैं. मेंस में ये दोनों काफ़ी हेल्प करता है अगर हम पीओ की बात करें तो, IBPS पीओ की. अब अगर हम IBPS पीओ मेंस के सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट वन आता है हमारा रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट. अगर सिर्फ इस सेक्शन की हम बात करें तो 18 to 19 मार्क्स, इवन कभी कभी इससे भी ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं वो सिर्फ यहीं से कैरी करते हैं. और ये इसमें के जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होती है ना, वो सिंपल जैसे हमने पढ़ा था प्री में जैसे हम पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं होते, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफ़ी लेंदी होते हैं. तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है. नेक्स्ट वन इज़ क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग. अब ये जो होता है आप कह सकते हैं कि ये टाइम टेकिंग नहीं होता है, बस आपको रीड करना है और आंसर देना है, पर उसके लिए आपकी लॉजिकल जो थॉट्स हैं, लॉजिकल थिंकिंग है, वो काफ़ी डेवलप होनी चाहिए क्योंकि इसमें आते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, एर्गुमेंट क्वेश्चंस और कंक्लूजन क्वेश्चंस. एर्गुमेंट में क्या होता है कि
एर्गूमेंट सही है या गलत है, जैसे स्टेटमेंट दिया रहता है और फिर उसमें एर्गूमेंट दिए रहते हैं कि उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये गलत है या सही है, वैलिड है या इनवैलिड है, ऐसे ऑप्शंस करके सिर्फ आपको रीड करना होता है और अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना होता है। तो इससे मार्क्स भी सही मिलते हैं अगर आपकी सही हो जाती है तो, और अगर गलत होती है तो जैसे हमें पता है कि बैंक के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर कंक्लूजन क्वेश्चन की बात करें तो उसमें होता है कि आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दिए रहेंगे और आपको बताना है कि इनका कौन सा कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है और कौन सा गलत है। कोर्स ऑफ एक्शन में होता है कि एक ऐसा सिचुएशन आपको बताया जाएगा स्टेटमेंट में पैराग्राफ में और उसके बाद उसके कुछ कोर्स ऑफ एक्शन लाइक कुछ एक्शन में बताए जाएंगे कि अगर आप उस जगह पर रहते तो आप कौन सा वहाँ पर एक्शन लेते। ये सारी चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग से ही बनती हैं। तो इससे भी क्वेश्चन लगभग 5 to 6 में बोल सकते हो कि 5 to 6 क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट वन इज डाटा सफिशियंसी। इसमें क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, और फिर दो स्टेटमेंट आपको होता है, दो या फिर मोर देन 2 भी होते हैं, कभी 1 होता है और कभी 3 होते हैं, कभी 1 नहीं होता है, या तो 1 और 2 रहते हैं या फिर 3 स्टेटमेंट रहते हैं। और उसके बाद आपके ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि इन तीनों स्टेटमेंट में से किनकी कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, किन दो से या फिर तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। तो ये होता है हमारा डाटा सफिशियंसी, जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर 2-3 स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है और ऑप्शन में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये होते हैं तो ऑप्शन में जो आपका पूछा जाता है जैसे ओनली वन एंड टू आर सफिशियंट, फिर सेकंड ऑप्शन हो सकता है 1, 2, 3 ऑल 3 आर सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस तरीके से ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपको इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना और फिर टिक करना होता है। द नेक्स्ट वन इज कोडेड डायरेक्शन, कोडेड साइलोलिज्म एंड कोडेड इनइक्वालिटीज। तो अगर इनइक्वालिटीज, साइलोलिज्म और डायरेक्शन, ये तीनों हमने ऑलरेडी प्री में पढ़ लिया है और हमें पता है कि ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, लाइक मिसलेनियस का टॉपिक होता है, बट अगर हम इसकी बात करें ना मेंस की तो ये कोडेड वर्जन में होता है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ऐसे रहेगा M और इसके आगे स्टेटमेंट लिखा है कि M इज यहाँ हमने 5 लिख दिया, 5@n, तो यहाँ होगा ये कोडेड इसने यूज किया है और इसका मतलब ये सामने लिखा होगा कि M इज 5 किलोमीटर ईस्ट टू N, और फिर आगे उसी तरीके से बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होंगे, क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होगा, यहाँ पे ये चेंज कर देगा, ये जो लेटर है ये लेटर चेंज करके वहाँ दूसरा लेटर रहेगा, लेकिन कोडेड रहता है तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, टाइम टेकिंग होता है। अगर हम कोडेड साइलोलिज्म की बात करें तो इसमें भी ऐसे जो सिम्बल्स होते हैं उनकी यूज़ की जाती है ताकि हम क्वेश्चन को और थोड़ा टाइम टेकिंग और टफ बना सकें। तो मेंस में ये सब बहुत मैटर करता है कि अगर आपकी ये बेसिक क्लियर है तो आप कोडेड वाला भी ईजिली कर पाएंगे। ब्लड रिलेशन की बात करें तो इसमें भी ब्लड रिलेशन से वैसे उतने क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते मेंस में, पर अगर आता है तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, प्री में आपने अगर पढ़ा है तो बेसिक क्लियर है तो वो क्लियर हो जाएगा। कोडेड इनइक्वालिटीज की बात करें तो इसमें भी वही चीजें होती हैं कि अगर, तो इसका मतलब हुआ कि एम इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एन, यहाँ स्टेटमेंट में इसे दिया रहेगा, ऐसे वर्ड्स में ऐसे डिस्क्राइब करके नहीं लिखेगा, स्टेटमेंट में दिया रहेगा कि m इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू n। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में है i, तो इसका मतलब हमें उस कोडेड जो दिया हुआ है इससे हमें समझना पड़ेगा कि एट द रेट का मतलब ग्रेटर एंड इक्वल्स टू होता है, तो हमें यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल्स टू का साइन लगा के और उसके बाद सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन इज न्यू पैटर्न कोडिंग। अगर हम कोडिंग की बात करें तो इसमें सिंबल, नंबर और डिजिट की यूज़ की जाती है। जैसे अगर कोई वर्ड हमने ये वर्ड ही लिख दिया हमने फाइन, तो इसमें हम किसी भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, वो अलग अलग बेसिस पे होता है। जैसे अगर सेकंड हमारा जो सेकंड जो हमारा लेटर है इस वर्ड का, वो
अगर वोवेल है तो उस बेसिस पे भी किसी एक सिंबल का यूज हम कर सकते हैं, लाइक वोवेल के लिए हमने हैशटैग का यूज कर लिया। इसमें लास्ट डिजिट हमने देखा, चलो डी है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक वर्ड यूज कर लिया, लाइक हमारा एक सिंबल यूज हो गया, एक डिजिट यूज हो गया। अब हमारे नंबर की अगर बात करें तो जैसे एन की अगर हम बात करें तो इसका 14 होता है, तो यहाँ 14 यूज हो गया। तो इस तरीके से ये जो होता है ना, ये हमारा न्यू पैटर्न कोडिंग होता है, जो इसमें सिंबल, नंबर और डिजिट इन तीनों का यूज करके उस तरीके से कोडिंग बनता है। देन आपको उसमें वर्ड्स दिए जाएंगे क्वेश्चन में, पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये किस बेसिस पे किया हुआ है, देन आपको क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने होते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट में होता है, स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें होती हैं। जैसे इनपुट आउटपुट में हमने पढ़ा है कि एक क्वेश्चन का तुरंत रिजल्ट मिल जाता है अगर हमें वो समझ आ गया, बट इसमें होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप 4 से 5 स्टेप दिए होंगे जो एक दूसरे पे बेस्ड होते हैं। तो मशीन और इनपुट आउटपुट जो होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू प्री के इनपुट आउटपुट से। और मिसलेनियस में ऑर्डर, रैंकिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमरिक जो सीरीज है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम ही आते हैं, और अगर आते हैं तो थोड़ा सा इसे लेंदी बनाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, जैसे मैंने इन सबको बताया था। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे अगर हम जाते हैं तो डेट इज़ कंप्यूटर एप्टीट्यूड। जैसे मैंने पहले ही बताया था, कंप्यूटर से वैसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो रीजनिंग में ही इंक्लूडेड होता है। तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं जो इन सारे टॉपिक्स में से किसी पे भी हो सकते हैं, डेट इज़ इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड टर्मिनोलॉजीज। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर में इन सारे पार्ट से क्वेश्चन किए जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो उतना टफ नहीं होता। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो किसी भी PO हो या क्लर्क हो, मेन्स में अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये बहुत ही ईजी सेक्शन होता है। अगर हम रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स हमारे पास है, तो ये काफ़ी ईजी सेक्शन होता है, क्योंकि हमें रीड करके इसका सिर्फ आंसर देना होता है, इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो हमें आता है तो आंसर हमने दिया, नहीं आता तो नहीं दिया, यानी ये टाइम टेकिंग नहीं होता। इसमें पार्ट्स आते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जनरल नॉलेज दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, इसके बारे में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होती है, और स्टैटिक अवेयरनेस, ये चीज़ें भी करंट अफेयर्स पे मैटर करता है कि करंट अफेयर्स में यानी अभी रिसेंट में कौन सी न्यूज चल रही है उसके अकॉर्डिंग। और इनमें से सबसे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन आता है तो वो होता है करंट अफेयर्स, यानी ये सारे भी बेस्ड होते हैं करंट अफेयर्स पे ही, करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हो रही हैं यानी करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में। अब ये करंट अफेयर्स की बात करूँ मैं IBPS PO में, तो 4 to 6 मंथ्स की अगर हम बात करें, यानी पिछले 4 से 6 महीने की अगर आप तैयारी कर ले रहे हैं, अपडेटेड हैं सारे न्यूज से, तो फिर आप इजीली इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं करंट अफेयर्स के लिए बोलूंगी 4 to 6 मंथ इम्पोर्टेंट है, अगर इतना आपने कवर कर लिया है तो इसका जनरल अवेयरनेस का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट इज इंग्लिश, इसमें वोकैब है, ग्रामर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन थोड़ा सा लेंदी होता है, लाइक प्री में आपको जहाँ 2-3 पैराग्राफ मिलेंगे वहाँ पे इसमें मीन्स में आपको 6 भी पैराग्राफ मिल सकते हैं, 4 भी पैराग्राफ मिल सकते हैं, लाइक पैराग्राफ बड़े होते हैं और ये टफ होता है थोड़ा। बट अगर आपका रीडिंग जो जैसे आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं और आपकी रीडिंग स्किल जो है वो काफ़ी सही है, तब आप बहुत ईजिली इसे क्रैक कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पारा जम्बल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अगर ये सारी चीज़ों को हम देखें तो हमें पता है कि अगर हमारे पास वोकैब और ग्रामर ये 2 चीज़ें सिर्फ रहती हैं तो हम इजीली स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पारा जम्बल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे सेक्शन को हम इजीली कवर कर सकते हैं सिर्फ अगर हमारे पास वोकैब और ग्रामर रहती है तो। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पूछे जाते हैं, बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारा इंग्लिश का सेक्शन था। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें DI और कैसलेट ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ से स्कोर बहुत होता है इसमें। लाइक इसमें आपको जैसे रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स होते हैं, वैसे मैथ्स में DI और कैसलेट DI कहें या फिर जो भी बार ग्राफ DI होता है वो सारे होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 18 to 20 मार्क्स की चीज़ें आती हैं यहाँ से।
फिर क्वांटिटी कंपैरिजन की बात करें तो इसमें Q1 Q2 वाली वैल्यू आती है, और फिर हमें दो क्वेश्चन होते हैं और दोनों की वैल्यू निकाल के हमें उसे कंपेयर करना होता है किसका वैल्यू किससे ज़्यादा है या कम है। नंबर सीरीज सिंपल एक जो नंबर सीरीज होती है जो प्री में हमने देखा था वैसी नहीं होती है। नंबर सीरीज में होगी कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसे हमें फाइंड आउट पहले करना है अगर उसमें कोई मिसिंग नंबर सीरीज है तो, और फिर उसके अकॉर्डिंग दूसरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके तब आंसर में देना होता है। लाइक थोड़ा सा इसका प्रोसेस लेंदी कर देते हैं। बाकी जो बेसिक चीज़ें होंगी नंबर सीरीज के हमें पता है, हमने प्रीलिम्स दिया अगर हुआ तो। डाटा सफिशियंसी रीजनिंग की तरह ही होता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया रहेगा और कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे और फिर हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन आते हैं बट वो बेसिक इस वाले फॉर्म में नहीं होते हैं, बेसिक वो थोड़ा से अपडेटेड होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं ताकि टाइम हमारा लग सके इन सारे क्वेश्चंस में। और मिसलिनियस की बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, परसेंटेज हो गया, SICI हो गया, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, सारी चीज़ें जो होंगी वो मिसलिनियस में आ जाएंगी। मैक्सिमम क्वेश्चन DI कैलकुलेटर से आता है और मिसलिनियस भी आते हैं, अगर आपकी बेसिक सही है तो आप मिसलिनियस में भी जो अरिथमेटिक के टाइप्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, वो आप इजीली कर लोगे। सो दिस आर ऑल द सिलेबस जो कि IBPS PO मेंस में पूछा जाता है। ऐसे अगर हम ऐसे के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि उसमें ऐसे और लेटर राइटिंग होता है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लाइक हमें पता है कि कंप्यूटर बेस्ड होता है एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे टाइपिंग आपकी सही होनी चाहिए और टू द पॉइंट आपके पास थॉट्स होने चाहिए कि अगर किसी भी टॉपिक पे हमें लिखने के लिए बोला जाए तो हम इजीली उसे लिख सकें। और उसमें जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना करें। ग्रामेटिकल एरर्स में ना करें और सेंटेंसेस सही होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए और स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। और टाइपिंग स्पीड उसमें सही होनी चाहिए क्योंकि 30 मिनट में हमें लगभग 400 वर्ड्स लिखने होते हैं, सो उसी के अकॉर्डिंग जिसमें से 5 मिनट तो हमें क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में निकल जाएगा। सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट यू शुड प्रिपेयर इफ़ यू आर गोइंग फॉर IBPS PO मेंस। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।